नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, अगर आपकी आंखें खास रात के 1 से 3 बजे के आसपास खुलती है तो ये खबर जानकर आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं, जानिए कैसे। दोस्तों, ये दुनिया रहस्यमयी बातों से भरी पड़ी है। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि आखिर रात में 1 से 3 बजे का समय अशुभ समय क्यों माना जाता है, क्यों इस समय आंखें खुलने पर नकारात्मक ऊर्जा का एहसास होता है। आपको बता दें, यदि आप 1 से 3 बजे के बीच अचानक उठते हैं या जागते हैं तो कोई चीज आपको भावनात्मक रूप से परेशान कर सकती है। आपके शरीर में बनने वाली सकारात्मक ऊर्जा भी इससे प्रभावित हो सकती है। तो ऐसे में जानते हैं, रात में आखिर 1 से 3 बजे का समय अशुभ क्यों माना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं, और ऐसा क्या है इस समय में, आइए जानते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, आपको बता दें, आधी रात के समय में ना ही किसी देवी देवता की पूजा की जाती है, ना ही कोई शोर शराबा होता है, और ना ही मंदिरों के दरवाजे खुले होते हैं। ऐसे में सूर्य उदय भी नहीं होता। इसी कारण ये समय नकारात्मक ऊर्जा के लिए बहुत ही शक्तिशाली होता है। इस समय में ये ऊर्जा 100 गुना शक्तिशाली हो जाती है, और इसी समय में सिद्धियां प्राप्त करने के लिए तांत्रिक कई प्रकार की साधना करते हैं, जिसमें बलि देना और गुप्त साधना करना शामिल है। तंत्र विद्या के अनुसार रात्रि के 1 बजे से 3 बजे तक साधना या दी हुई बलि सबसे ज्यादा फलीभूत होती है, इसलिए एक तांत्रिक के लिए ये समय बहुत मायने रखता है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए ऐसा माना जाता है कि इस समय ज्यादातर शैतानी शक्तियां ब्रह्मांड में घूम रही होती है, और इसीलिए तांत्रिक के लिए ये समय बहुत ही शुभ माना जाता है। लेकिन ये समय आपके लिए बहुत ही खतरनाक है, और वहीं फिल्मों में भी रहा आधी रात का समय, उसमें दिखाया गया है कि कोई भी वारदात हुई 3 बजे के आसपास ही घड़ी रुक जाती है, जिसके बाद बुरी घटनाएं होती है। वहीं 3 की संख्या को भी अशुभ माना गया है। दोस्तों, जरूरी जानकारी, कई बातों से रहे सावधान। कभी भी रात में सोते समय भूत प्रेत आत्माओं की बातें कभी ना करें। ऐसे समय में कभी भी आप उठें तो, या जब बाहर जा रहे हो तो, चौराहे से बचकर निकलें, और ऐसे स्थान पर ना जाएं जहां पर किसी की बलि दी जाती हो, या जहां भूत बाधा भगाने का दावा किया जाता हो, या नदी पुल या सड़क पार करते हो, या किसी जंगल से गुजरते हो तो, या फिर अचानक से रात के 3 बजे नींद खुल जाए तो, ऐसे समय में अपना काम करके भगवान का स्मरण जरूर करें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।